एक गांव में बसंत नाम का व्यक्ति फूल बेचता है। वो अपने बेटे को पिछले साल से साइकिल दिलवाने के लिए कहता है, पर दिलवा नहीं पाता। उसने सोचा दिवाली पर फूलों की अधिक बिक्री होने पर वो दिलवा देगा, किंतु महंगाई का असर बाजार पर भी पड़ता है। पापा, मुझे साइकिल चाहिए, दिला दो ना। हाँ बेटा, दिलवा दूंगा। कब? कल दिला दोगे? अरे कल? ना ना बेटा, इतनी हैसियत नहीं है मेरी कि तेरे कहते ही तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। पापा, आप हर बार यही कहते हो। बेटा, इस बार दिवाली पर पक्का तुझे दिलवा दूंगा। दिवाली पर क्यों, कल क्यों नहीं? दिवाली पर फूलों की मांग बढ़ जाती है तो हमारा काम भी बढ़ेगा ना। 2 रुपयों से तेरी साइकिल पक्की। अच्छा, और क्या दिलवाओगे? नए कपड़े ले लेना। और क्या चाहिए? और पटाखे नहीं दिलवाओगे? ना, इस बार वो नहीं मिलेंगे। तेरे पापा गरीब फूल बेचने वाले हैं, कोई टाटा अंबानी थोड़ी है। पापा, सब बच्चे पटाखे जलाएंगे, मुझे भी दिलवा देना। एक ही चीज मिलेगी, साइकिल या पटाखे। तू सोचकर बता दे क्या चाहिए। दोनों? बसंत ना में सिर हिला देता है। अच्छा, फूल जड़ी ही ला देना, मैं उससे ही काम चला लूंगा। वैसे भी मैडम ने कहा है पटाखे नहीं जलाना, इससे प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, फुलझड़ी ला दूंगा। अब खुश? हाँ। अच्छा सुन, थोड़े दिनों में दिवाली आने वाली है, ऐसे में अलग अलग तरह के फूलों की माला, गजरे वगैरह बनाने में अपनी माँ की मदद करना, ठीक है? ठीक है। कुछ दिनों बाद बसंत घर में बहुत से फूल लाकर रखता है। लाजो, सुनो, कल धनतेरस है, कल से फूलों की बिक्री बढ़ेगी तो तुम और सोनू दोनों मिलकर सुंदर सुंदर फूल माला और कुछ गजरे बनाकर बाजार में मेरे पास भेजती रहना। ये क्या, आप इतने कम फूल क्यों लाए हो? क्या करूं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये बिकेंगे तो उन्हीं रुपयों से और फूल ले आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। देखना, ये माल जल्दी से बिक जाएगा, आपको और मंगवाना पड़ेगा। बाजार में बसंत अपनी दुकान में ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। भाई जरा जल्दी से 2 मालाएं दे दो। बसंत माला एक कागज में लपेटने लगा। कितने की है? 30 रुपए की। 30 रुपए की इतनी महंगी? पिछले साल तो 20 रुपए की दे रहे थे। मैं क्या कर सकता हूँ, आगे से ही फूलों के दाम बढ़ गए हैं। अच्छा फिर ऐसा करो कि एक ही माला दे दो। 2 ले लो, अब तो मैंने बांध भी दी है। ना भैया ना, एक दे दो, महंगाई बहुत है और जरूरी सामान लेना है। वो आदमी माला लेकर चला गया। उसके बाद एक औरत आई। भैया, ये माला तो बहुत सुंदर है, कितने की है? 15 रुपए की। 15 की एक, मतलब 30 रुपए की दो। हाँ, 2 दे दूँ? नहीं, आप ना मुझे 20 रुपए के फूल दे दो। बस फूल? आपको माला नहीं चाहिए? वो मैं खुद बना लूंगी, आप मुझे बस फूल दे दो। उसके बाद दुकान में कोई नहीं आता। इस बार महंगाई के कारण कुछ बिक्री नहीं हो रही, सोनू के लिए साइकिल कहां से खरीदूंगा? हे भगवान, दिवाली वाले दिन ऐसी कृपा कर कि सबकी झोलियां भर जाएं, सबको खुशियां दे मेरे मालिक। एक सेठानी सेठ से, सुनिए जी, मुझे एक गजरा ला दीजिए, आज पड़ोस की मोहिनी के यहाँ पूजा में जाना है। तुम मुझसे क्यों कह रही हो, जगन को कह दो, वो ला देगा। जगन तो कोई भी गजरा उठा लाएगा। कोई भी का क्या मतलब, जैसा बाजार में मिलेगा वही तो लाएगा। मुझे कोई आम गजरा नहीं चाहिए, सुंदर सा, थोड़ा हट कर हो। तुम भी ना, तुम्हें पूजा में जाना है या दिखावा करना है? दोनों, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे साथ बाजार में चलिए। बाजार में सेठ एक फूलों की दुकान की ओर संकेत करते हुए,
देखो उसके पास ताजे फूल हैं, वहाँ से ले लो। नहीं, ऐसा तो सब लगाते हैं। अरे तो तुम भी वैसा ले लो, इतने नखरे मत करो, घंटे भर से बाजार घुमा रही हो। तभी सेठानी की नजर बसंत की दुकान पर पड़ती है। चलिए ना उस दुकान में देखते हैं। सेठानी एक माला देखकर, अरे वाह, ये मालाएं तो एकदम ताजा और बहुत सुंदर है। गेंदा, मोगरा और गुलाब के फूलों का जोड़ा तो बहुत जच रहा है। जी आपको ऐसी माला पूरे बाजार में और कहीं नहीं मिलेगी। सुनो अब जल्दी से लेकर चलो। रुके ना, गजरा तो देखने दीजिए। भैया एक गजरा भी दिखाओ। बसंत उसे गजरा दिखाता है। ये भी सुंदर है। भैया 5 मालाएं और 3 गजरे दे दो। सेठ सेठानी के कानों में कुछ कहता है और सेठानी हाँ में सिर हिलाती है। क्या तुम घरों में फूलों की सजावट करते हो? जी ये काम ऑर्डर पर होता है। ऐसा करो तुम शाम को मेरे घर आ जाना, ये लो मेरा पता। सेठ और सेठानी वहाँ से चले जाते हैं। इस बार महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बाजार में फूलों की बिक्री बहुत कम है। अगर सेठ के यहाँ कोई काम मिल जाए तो सोनू के लिए साइकिल का इंतजाम हो जाएगा। सोचते हुए वो सेठ के घर पहुँचा। सुनो भैया, कल दिवाली पर सुबह 10 बजे हमारे यहाँ पूजा है, आप उससे पहले सुबह सुबह आकर यहाँ फूलों की सजावट कर देना। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी सजावट करूँगा। सुनो, सजावट खास और सुंदर होनी चाहिए, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाना। जी। बसंत खुश होकर घर जाकर लाजो और कूका को पूरी बात बताता है। सुबह बसंत और कूका फूलों के टोकरे लिए सेठ के घर पहुंचते हैं। बसंत सजावट करता है और कूका उसकी मदद करता है। पापा आज दिवाली है, आपने कहा था आज आप मुझे साइकिल दिलवाओगे। बेटा तंग मत कर, अभी मुझे काम करने दे। पापा आज यहाँ से जो रुपए मिलेंगे उससे दिलवा दूंगा, चल अब मेरी मदद कर। सजावट पूरी होने पर सेठानी देखती है। वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा सजा दिया घर। जी धन्यवाद, आप इस काम के रुपए दे दीजिए, मेरे बेटे को आज साइकिल दिलवानी है। अभी सेठ जी घर पर नहीं है, आप शाम को आ जाइएगा। ठीक है पापा। बेटा शाम को ले लेना। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर में कूका माँ के साथ मिट्टी के दियों को रंगों से सजाता है। माँ हम इन्हें भी बेचेंगे? नहीं, ये तो शाम को दिवाली की पूजा के लिए है। माँ इनमें से एक दिया मुझे दे दो। लाजो उसे एक दिया दे देती है, फिर वो काम से भीतर चली गई। उसने बाहर आकर कूका का दिया देखा। अरे कूका, तेरा दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, तू इसका क्या करेगा? ये मैं किसी को दिवाली का उपहार दूंगा। किसे? किसी को भी। ठीक है दे देना। देख शाम हो गई है, तेरे पापा बाजार से आते होंगे, तू जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जा। और साइकिल लेने जाना है कि नहीं? कूका भागकर भीतर चला गया। तभी बसंत आया और कूका अपना दिया हाथ में पकड़े उसके साथ सेठ के घर पहुंचा। भैया आप आ गए, आप तो अब अपनी दुकान बड़ी करने के बारे में सोचो। पूजा में आए लोगों को फूलों की सजावट बहुत अच्छी लगी, कई औरतें तो मुझसे आपका पता भी ले गई हैं। जी शुक्रिया। भैया ये अभी तक घर नहीं आए हैं, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। तभी उसकी बेटी आ गई। मम्मी पापा तब आएंगे, कितनी देर हो गई है, वो मेरे लिए दिवाली का गिफ्ट लाएंगे ना? हाँ बेटा, पापा बस आते ही होंगे। सेठानी काम में लग गई। अले ये दिया तो बहुत सुंदर है, तुम कहाँ से लाए? ये मैंने बनाया है, ये तुम रख लो दिवाली गिफ्ट। हैप्पी दिवाली। सच्ची हैप्पी दिवाली, कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी सेठ भी बाहर से आ गया। अरे तुम आ गए, अरे भाग्यवान आप आ गए, तुमने जो काम कहा था वो हो गया है। सेठ कुछ रुपए और मिठाई का डिब्बा बसंत को देता है। धन्यवाद, आप लोगों को दिवाली मुबारक हो। आपका बेटा बहुत प्यारा है।
हमारी ओर से इसके लिए दिवाली का उपहार। पर सेठ जी, फिर ये रुपए क्यों? ये तुम्हारी मेहनत के हैं, और वो इस बच्चे का दिवाली का त्योहार का उपहार है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कूका साइकिल लेकर बहुत खुश होता है। वो साइकिल लेकर घर आ जाता है। लाजो और बसंत उसकी साइकिल के पास खड़े होते हैं और वो फूलझड़ी जलाकर जोर से बोलता है, हैप्पी दिवाली।